प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैशलेस ट्रांजैक्शन पर काफी जोर दे रहे हैं, खासतौर पर डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश इसके लिए तैयार है? जानने के लिए बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के आईटी मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता जी से। उमाशंकर जी, काफी बातें होती है, क्या हम वो स्थिति में आएंगे जब कागजों को हटाकर डिजिटल ट्रांजेक्शन चालू हो जाए? आप जानते हैं मध्य प्रदेश में हमने वो तेजी से दिशा में सरकार ने काम शुरू किया। मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि हम पेपरलेस कल्चर की ओर आगे बढ़े, लेकिन एक परंपरागत वर्षों का जो माइंडसेट बना हुआ है लोगों का, काम करने वाले लोगों का, और सारी टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में भी समय लग रहा है, लेकिन हम आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं, सब विभागों से आग्रह कर रहे हैं और हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार तेजी से देश भर का वातावरण बदल रहा है और नई जो जनरेशन आ रही है वो इससे काफी वाकिफ है, और बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा कि हम पेपरलेस हो जाएंगे। मध्य प्रदेश का जो मंत्रालय है, अगर वो पेपरलेस होता है तो उससे कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, फाइलों की गति भी बढ़ेगी, और आप लोग कब तक ही कोई रोड मैप बना है? डेफिनेटली आप देखेंगे कि पारदर्शिता के लिए मध्य प्रदेश में सरकार ने बहुत पहले से कदम उठाना शुरू किए हैं। लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम सबसे पहले मध्य प्रदेश में बना है, सीएम हेल्पलाइन है, और ये सारा काम तेजी से कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि वर्षों से जो एक पद्धति जमी हुई है वो सारे सिस्टम को लाने में थोड़ा समय लगेगा, माइंडसेट करना पड़ेगा, लोगों को हैव टू बनाना पड़ेगा इस प्रकार के कामों से, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। जी, डिजिधन की योजना काफी बड़ी योजना है, उसके लिए आपने भी शुरुआत की भोपाल से, इंदौर और ग्वालियर में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, कब तक उसका स्वरूप जो है वो एक बड़े तौर पर देखा जा सकेगा? देखो, ये डिजिधन पहले केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में 100 स्थानों पर शहरों में लगाने का निर्णय किया है। 5 शहर भोपाल मध्य प्रदेश के भी हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और देवास, यहाँ ये मेले लग रहे हैं। इन सबका मकसद यही है कि डिजिटल लेन देन की तरफ लोगों को जागरूक करना, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स के बारे में जानकारी देना, वो कितना आसान है लोगों के दिमाग में जमाना, और इसके लिए दिन भर ये मेला लगता है। विभिन्न बैंक और विभाग, विभिन्न प्रकार की एजेंसी वहाँ अपने स्टॉल लगाती है, लोगों को एजुकेट करती है, और इसका भी मैंने जैसे पहले प्रश्न में कहा है कि इसके लिए भी माइंडसेट बनाने की जरूरत है और उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, क्या जो दूसरे विभाग हैं वो इतने सक्षम होते हैं या उतने वेलकम करते हैं इस तरह के कदमों? नहीं, करते भी, और हम मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर विभाग को आईटी एक्सपर्ट निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट से, और वो जाकर वहाँ उनको उसमें गाइड करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, और सारे विभाग को डिजिटलाइज करने के लिए वो एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में काम करते हैं। सर, जब देखने में आता है कि वेबसाइट्स जो होती हैं कई विभागों की वो अपडेट नहीं होती है। मैंने कहा वो माइंडसेट नहीं है, लोगों के अभ्यास में नहीं है, और जो इसलिए इसको करने के लिए केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, लोगों का माइंडसेट भी तैयार करना पड़ेगा, और इसीलिए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम सरकार कर रही है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही है, वर्कशॉप कर रही है, कि लोगों का माइंडसेट इस ओर बने। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर गुप्ता जी। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट यानी कि विचारधारा में बदलाव की सख्त जरूरत यहाँ पे जताई जा रही है, और जल्द ही मध्य प्रदेश डिजिटल मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा, इस तरह का भरोसा यहाँ पर दिलाया जा रहा है। कैमरामैन अभिनव सोनी के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट, भोपाल।